वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीएम जौनपुर रेल फैन। तो फिलहाल अभी हम मौजूद हैं जौनपुर रेलवे स्टेशन पे और आज की जो हमारी यात्रा होगी वो होगी जौनपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल। एक्चुअली आज की जो हमारी ये स्पेशल यात्रा होने वाली है क्योंकि आज हम जर्नी करने वाले हैं छपरा एक्सप्रेस में, जो कि छपरा से चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल को जाती है, जो कि हफ्ते में 3 दिन रहती है। और इसका जो रेक शेयरिंग की बात करूँ तो ये गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस से शेयर होता है, जो कि गोरखपुर से चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल को जाती है, जो कि 4 दिन तक रन करती है। 4 दिन वो आती है और 3 दिन ये आती है। स्पेशल यात्रा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का जो हमारा जो कोच होने वाला है वो आप इस वीडियो में खुद ही देख लेंगे, क्योंकि आज का जो इकोनॉमिक 3rd AC में आज हम जर्नी करने वाले हैं और ये पहला कोच आज पहला रन है इसका छपरा से लेकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक। और कल ये ट्रेन आई है लोकमान्य तिलक टर्मिनल से छपरा की तरफ गई है, जो कि इसका फर्स्ट रन था उस कोच के साथ। और आज ये पहला इसका रन होने वाला है छपरा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल का। और इस कोच के फेयर की बात करूं तो छपरा से लेकर लोकमान्य तिलक तक मैंने टिकट को बुक किया है और जो उसके नॉर्मल जो 3rd AC है उसका जो फेयर है वो लगता है 1875 रुपये, और जो मैंने इकोनॉमिक का जो मैंने बुक किया है उसका लगा है 1742 रुपये, मतलब करीबन 5% के आसपास उस पर डिस्काउंट है और 5% का ही उसमें माइनस किया गया है 3rd इकोनॉमिक कोच। मैं बता दूँ कि यार इस रूट पर जो रूट है जौनपुर से शाहगंज मऊ वाला, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करूँ तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चला है, CRS द्वारा ट्रायल रन भी हो चला है। मैं उम्मीद कर रहा था कि यार कि आज की जो मेरी जर्नी होगी, वैसे आज है 5 फरवरी 2022, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि इस डेट को हमें इलेक्ट्रिक लोको के साथ मिल जाएगा, बट ऐसा शायद नहीं हुआ है। डीजल लोकोमोटिव साथ EMD के साथ ही आएगा, हमारी ट्रेन आने वाली है। तो यार थोड़ा सा ये अच्छी चीज़ भी है कि यार EMD से मौका मिल रहा है ट्रैवल करने का, क्योंकि बाद में आने वाले टाइम में ये बंद हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको मिल जाएगा बिल्कुल एंड से एंड तक। तो अच्छा है और थोड़ा बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। बाकी आगे आपकी जर्नी इंजॉय कीजिएगा आप। और 3rd इकोनॉमिक कोच की बात करूँ तो वो मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लोर करूँगा, सब कुछ दिखाऊंगा उसके अंदर, कौन सी सीट है, क्या है और क्या चीज़ें उसमें बेनिफिट है, क्या लॉस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें दिखाने वाला हूँ। उसका इंटीरियर कैसा है और क्या है। और आज की इस यात्रा में ना हम बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कसारा घाट, जो कि भुसावल के पास पड़ने वाला, उसे हम ज़रूर कैप्चर करने वाले हैं। कसारा घाट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इगतपुरी। फिलहाल हमारी ट्रेन का समय हो चला और ये हमारा कोच यहाँ पर इंडिकेटर कर रहा है M1 यहाँ लगने वाला है, और पब्लिक काफ़ी तादाद में अब धीरे धीरे स्टेशन पे आ चुकी है। सो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और आज का हमारा जो लोकोमोटिव वो है WDP 4D 4029 इज्जत नगर का, और ये हमें लीड करने वाला है प्रयागराज तक। हम आ चुके हैं जफराबाद और ये सामने ये दिखा दूं कि ये है गोदान एक्सप्रेस और इसमें भी इकोनॉमी का कोच लग चुका है और ये इसका सेकंड रन है। वैसे फिलहाल में ये इसका सेकंड रन है और हमारी ट्रेन का जो इकोनॉमिक कोच है वो फर्स्ट रन है। तो अभी हम इसमें ऑनबोर्ड हैं। एक्चुअली जौनपुर में जब ट्रेन डिपार्चर ले रही थी तो थोड़ा मैं बिजी था, सामान भी ज़्यादा था और जानते हैं आप थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है इस कोच में। तो एक बार कोच का व्यू अंदर दिखा देता हूँ आपको अंदर कैसा होना। सो मिरर से स्टार्ट करते हैं और हम ये हैं और मिरर काफ़ी साफ़ सफाई है। यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाएगा, वॉशरूम दिखाना चाहेंगे तो वॉशरूम भी दिखा दूंगा। वैसे फ़िलहाल में गंदगी है पर स्पेस अच्छा दिया है। वैसे बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और वैसे फ़िलहाल में एक अच्छा लुक दिया है वैसे, और मिरर भी बहुत ही साफ़ सुथरा है और अच्छा है। तो बाकी आगे बाहर की तरफ एक बार यहाँ पर ये चीज़ें दी हैं फायर के लिए और बहुत ही सही लोकेशन है यार। ये जो टर्निंग इन्होंने बनाई है ना, एक चीज़ ये दिखा देता हूँ आपको, शायद लॉक है, लॉक है। वैसे डिपार्चर कर रहे हैं जफराबाद स्टेशन को और यहाँ पे भी छोटी सी लड़ाई हो गई थी यार, मैंने कैप्चर नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा था यार। वकील बहुत बुरी तरह से मार रहे थे एक आदमी को और ट्रेन से उतार के उसे मारा जा रहा था यार, बहुत ही गंदा सिचुएशन था यहाँ पे। डिपार्चर दिखा के मैं फिर चलता हूँ अंदर और आपको अंदर का एक बार नज़ारा दिखाता हूँ कि 3rd इकोनॉमिक कुछ कैसा है। बहुत कंजेस्टेड है वैसे, बाकी अंदर अभी चल के वो खुद को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर दिया हुआ है और फिलहाल में फर्स्ट रन में ही इसकी हालत ख़राब है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला में हुई है और यहाँ पे आपको हैमर मिल जाएगा। तो चलिए एक बार अंदर ले चलते हैं आपको, एक सीट यहाँ पर है और अंदर साइड आएँगे तो कुछ ऐसा है। और जो हमारी सीट है
वो यहाँ पे है 72 और 66। तो यार कुछ ऐसा सीन है इसके अंदर का। साइड वाली जो सीट है ना यहाँ पे, एक चीज़ आपको बेनिफिट दिखा दूँ कि ये 72 71 है और हमारी जो सीट है 72 है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट एक ये मिल जाएगा, मोबाइल होल्डर मिल जाएगा, रीडिंग लाइट वगैरह मिल जाएगी, और यहाँ पे आपका USB केबल आप लगा के चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे ये लाइट है और मोबाइल होल्डिंग आराम से आप कर सकते हो। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे ये जो है फिलहाल यार इस कोच की बताऊँ बात तो यार काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है इस कोच पे बैठने पर। और यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट भी दे रखा है, यहाँ पे हर एक सीट पे आपको मिल जाएगा, और USB केबल के साथ चार्जिंग आपको पॉइंट मिल जाएगा, रीडिंग लाइट के साथ मिलेगा। और अगर आप ऊपर बर्थ पे बैठते हो, ऊपर मिडिल और नीचे की साइड में बैठते हो, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। साइड अपर में भी, साइड लोअर में भी ये चीज़ें आपको सुविधा मिल जाएगी। तो ये कुछ सुविधाएं इसमें अच्छी हैं जो कि काम के हैं, और बाकी कुछ जो सिर्फ इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो डिस्टेंस जो कम की गई, जो हाइट कम की गई, जैसे कि अभी ऊपर आप बैठ भी मैं बैठा था तो ऊपर सर से मैं बैठ नहीं पा रहा था, ये प्रॉब्लम है। इसकी जो लेंथ है वो कम कर दी गई है। बाकी मैं अपर बर्थ पे बैठा हूँ और यहाँ पे आपको AC विंड मिल जाएगा, ठीक है। और बॉटल होल्डिंग का कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे, ये आपको बॉटल होल्डिंग का मिल जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर इंडिकेट कर रखा है। और दूसरी तरफ इस तरफ दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, घूमने में भी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जर, ये आपकी रीडिंग लाइट जो कि आपके काम आ सकती है रात को, यहाँ पे आप अपना USB केबल लगा के फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे आपका देख सकते हो कुछ ऐसा है, ये कुछ सीटें हैं इस प्रकार से। वैसे इस कोच में ना ये सीढ़ियाँ जो हैं वो बहुत ही काम की हैं, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है इस तरफ जाने के लिए और साइड में इस तरफ जाने के लिए, ये बहुत कारगर होने वाली है। तो फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं मड़ियाहूँ रेलवे स्टेशन। समोसा खा लो। एक्चुअली एक चीज़ आप और बता दो, यहाँ पे यार जो पानी का सिस्टम है ना वो यहाँ पे कोई लगा नहीं है, तो नीचे से आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा तब यहाँ पे पानी आएगा। तो नीचे वहाँ पे बना हुआ है प्रेस करने के लिए। कोविड 19 चलते ये चीज़ें बनाई डिज़ाइन की गई हैं, और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। तो बगल में जो B3 लगा हुआ है उसमें चल लोग जा रहे हैं, और वहाँ से लोग
अपना हैंड वॉश कर रहे हैं। जो लोगों को पता नहीं है जो कि यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़ें। और यहाँ पे पानी है चंगही रेलवे स्टेशन, और यहाँ से एक लाइन निकलती है वाराणसी भदोही की तरफ, और एक लाइन निकलती है जौनपुर, और एक लाइन निकलती है यहाँ से प्रतापगढ़ की तरफ, और एक लाइन निकलती है प्रयागराज की तरफ। तो हम जो जाएंगे आज प्रयागराज की तरफ जाने वाले हैं, और यहाँ पे यार प्लेटफॉर्म बनने वाला है पीछे, तो फिर कभी यहाँ का अपडेट दे देंगे। वैसे तो फाइनली हम आ चुके हैं प्रयागराज जंक्शन, और बगल में खड़ी है काशी एक्सप्रेस जो कि हमारे आगे साथ साथ चलने वाली है, और इसे आगे हम कहीं ना कहीं ओवरटेक ज़रूर करेंगे क्योंकि इसके स्टॉपेज ज़्यादा हैं और हमारी ट्रेन के अब कम होने वाले हैं स्टॉपेज। छपरा से या गोरखपुर से भी ट्रेन चलती है तो इसके स्टॉपेज बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद इसके स्टॉपेज प्रयागराज से बहुत ही कम हो जाते हैं, एक लिमिटेड स्टॉप हो जाते हैं। फिलहाल हमारी ट्रेन प्रयागराज से निकलने के बाद यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिल जाएगा, और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिलने के बाद हमारी ट्रेन सीधा रुकेगी सतना, जबलपुर, इटारसी और भुसावल। तो अब इसके स्टॉपेज कुछ कम होने वाले हैं और आगे यात्रा में और भी मज़े आने वाले हैं। डिपार्चर ले चले हैं हम प्रयागराज जंक्शन से अपने अगले स्टेशन सतना जबलपुर की तरफ, और बगल में खड़ी है सारनाथ एक्सप्रेस, छपरा से चलकर दुर्ग जाएगी, और यह है सारनाथ एक्सप्रेस भिलाई का लोकोमोटिव और प्रयागराज जंक्शन, और यहाँ से ट्रेन निकल के हमारी सीधी रुकेगी सतना, जबलपुर, इटारसी, भुसावल। तो अब काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेनें हमारी रुकने वाली हैं, तो मिलते हैं आपसे सीधा सतना रेलवे स्टेशन पे। फाइनली अपने तय समय से 8:30 बजे हम आ गए हैं सतना रेलवे स्टेशन। ये है सतना, फाइनली हम आ चुके हैं सतना रेलवे स्टेशन, और करीबन बज रहे हैं 8:30 मिनट, और अभी हम हैं सतना के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे, और सही टाइम पे हमारी गाड़ी यहाँ पे आ चली है। और यहाँ से निकलने के बाद हमारी ट्रेन का अगला स्टॉप होने वाला है जबलपुर, जो कि 11:30 बजे के आसपास पहुँचेगी, उसके बाद इटारसी, और इटारसी के बाद इसका सीधा अगला स्टॉप होगा भुसावल, जो कि हम सुबह के 7:30 बजे के अराउंड पहुँचेंगे। इसके बिना ना सफ़र नहीं होता जल्दी आसान, तो स्प्राइट और इसके बिना सफ़र अधूरा है। सो फाइनली डिपार्चर हो चला है हमारे सतना रेलवे स्टेशन से, 8:35 मिनट है, 5 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे, और हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले रही है अपने आगे की तरफ जबलपुर इटारसी की तरफ। उसमें ये नाइट लाइट भी लगा रखी है जो कि ब्लू कलर की चलती है कुछ इस प्रकार की, और इस तरफ भी उजाला देखने को मिल जाएगा।
रात के करीबन बज रहे हैं 11:30 और हम आ चुके हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन। और चलिए आपको जबलपुर रेलवे स्टेशन दिखाते हैं, बाहर का नजारा क्या है जबलपुर रेलवे स्टेशन का। जबलपुर में आप सभी का स्वागत है और करीबन 11:25 हो रहे हैं और जबलपुर रेलवे स्टेशन पे हम मौजूद हैं। और ये है जबलपुर रेलवे स्टेशन का बोर्ड और हमारी ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का जबलपुर रेलवे स्टेशन का भाई। फिलहाल हमारी ट्रेन अभी जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी और मैं आपको ना अपना जो बेड है जहाँ मैं सो रहा हूँ वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जिस तरह से अंदर का व्यू है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे हमारी सीट है, लाइट जला देते हैं यार। तो ये है फिलहाल हमारी सीट, बेड सीट हमने लगा दी है, बीच की मिडिल बर्थ है। तो कुछ ऐसा है यार। फिलहाल अभी आपने देखी हमारी सीट को और जबलपुर रेलवे स्टेशन पे चाय पी रहे हैं करीबन। चाय तो ठीक ठाक है यार वैसे। बाकी आगे की यात्रा आपको बता दें कि करीबन अब यहाँ से हमारी गाड़ी निकल कर 3 अराउंड पहुँचेगी इटारसी रेलवे स्टेशन और इटारसी के बाद आएगा 7:30 to 8 के आसपास भुसावल। अब तक की यात्रा कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना हमारे चैनल पर मत जाइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये यात्रा कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और फिलहाल ट्रेन हमारी यहाँ पे 5 के स्टॉप के साथ रुकी हुई है और कुछ ही देर यहाँ से ट्रेन हमारी निकलेगी आगे इटारसी की तरफ। और रात हो चली है काफ़ी ज़्यादा, फिर हम सोएंगे और फिर सीधा अगर कोशिश करेंगे अगर इटारसी हम जगह रहे तो इटारसी भी कैप्चर करेंगे और फिर सीधा मिलेंगे आपसे भुसावल रेलवे स्टेशन। और भुसावल के बाद हमारी ट्रेन आगे नासिक। बाकी मॉर्निंग में बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने को तो सुबह का ही इंतज़ार है। रेलवे स्टेशन के हम बाहर की तरफ आए हैं और ये फ्लैग कैप्चर करने आए थे एक्चुअली। और स्टेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यार, उस तरफ जाते हैं देखते हैं, वैसे आगे बढ़ते हैं। वैसे रिस्क लेना वाला काम हो जाएगा इसलिए जाने दो, फिर कभी जबलपुर को कैप्चर कर लेंगे। अब चलते हैं सोने और ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम हो चला है अब क्योंकि नींद भी आ रही है, फिर सोते हैं, फिर सुबह मिलेंगे आपसे। अगर जगह रहे तो इटारसी कैप्चर करेंगे वरना फिर आपसे मिलेंगे सीधा भुसावल रेलवे स्टेशन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं भुसावल जंक्शन और रात के करीबन 3 के आसपास हम लाइटर पहुंची थी इटारसी और इटारसी के बाद सीधा इसका अगला स्टॉप था भुसावल और हम आ चुके हैं भुसावल रेलवे स्टेशन। और भुसावल के बाद इसका अगला स्टेशन होने वाला है नासिक और उसके बीच में पड़ने वाले सभी स्टेशन को स्किप करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं आगे कैप्चर करने को। जैसे ही हम भुसावल पहुंचते हैं और भुसावल का केला हमें दिखता है और सामने की तरह आपको पाव भाजी, वड़ा पाव, इडली, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी भुसावल रेलवे स्टेशन पर। फाइनली हमने भुसावल रेलवे स्टेशन पर ये पोहे लिए हैं भुसावल के पोहे, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और कैसा लगता है देखते हैं फिर आगे चल के। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आप शोर सुन सकते हो उनके। तो फिलहाल हमारी ट्रेन भुसावल रेलवे स्टेशन से निकल चली है। अभी जो बगल में आप ट्रेन देख रहे हैं ये है प्रयागराज दुरंतो एक्सप्रेस।
सो फिलहाल हम खड़े हैं भुसावल रेलवे स्टेशन के आगे और वहाँ पे होने वाला है प्रयागराज दुरंतो एक्सप्रेस, हमें ओवरटेक करके जाने वाली है, इसलिए हमारी ट्रेन को लूप लाइन पे ले लिया गया है और इस मेन लाइन को क्लियर कर दिया गया है और जल्दी ही प्रयागराज दुरंतो आएगी, हमें ओवरटेक करेगी बहुत तेज़ी के साथ। तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं 40 गांव रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हमारा स्किप था, पर शायद यहाँ पे रुकेगी हमारी ट्रेन कुछ समय के लिए, हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोका जा सकता है। फिलहाल हम आ चुके हैं 40 गांव रेलवे स्टेशन और फिलहाल में इसका स्टॉप तो यहाँ नहीं था, बट यहाँ पे ट्रेन को रोक दिया गया है प्लेटफॉर्म संख्या। यहाँ से हमारी ट्रेन अभी निकल के सीधा रुकने वाली है नासिक और बीच में पड़ने वाला है, आगे पढ़ने वाला है मनमाड़ और मनमाड़ रेलवे स्टेशन को भी हम स्किप करने वाले हैं। अगर यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती और काफ़ी अच्छी स्पीड में निकलती तो हमें प्लेटफॉर्म स्किप ज़रूर देखने को मिलता, पर ऐसा नहीं हो सका। बट वैसे अभी तक आपने ओवरटेक इसका देखा ही, प्लेटफॉर्म स्किप देखा, वो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिए।